25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा हरियाणा के कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9 हरियाणा। इस रैली में इंडिया अलायंस के करीब 95% राजनीतिक दलों के मंच पर मौजूद रहने का ऐलान चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान INLD के महासचिव अभय चौटाला और इंडिया अलायंस की रिसर्च टीम के सदस्य और JDU नेता KC त्यागी ने किया। हालांकि INLD ने इस मौके पर इंडिया अलायंस में शामिल होने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और 25 सितंबर की रैली का इंतजार करने के लिए कहा है। अभय चौटाला ने कहा कि उन्हें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी कोई परहेज नहीं है और वो चाहते हैं कि BJP को हराने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हों और वो दिल्ली जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से मिलकर उन्हें रैली में शामिल होने का न्योता देंगे। भाजपा से बड़ी मित्रता भी रही है और आज क्योंकि भाजपा देश को कमजोर कर रही है, आज जिस किस्म के फैसले भाजपा ले रही है हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। और सर, जाएंगे आप कांग्रेस के नेताओं को, उनके अध्यक्ष को इनवाइट करने? बिल्कुल जाऊंगा, करके आऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी को सर? उनसे भी बात करूंगा टेलीफोन पे, अगर उनके पास समय होगा मुझे वो समय देंगे मिलने, उनको भी इनवाइट करूंगा। KC त्यागी ने जानकारी दी कि इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस को पहले ही न्योता भेजा जा चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को ये न्योता भेज दिया गया है, लेकिन उनका कंफर्मेशन अभी बाकी है। लेकिन उसके अलावा इंडिया अलायंस के करीब 95% राजनीतिक दलों ने इस रैली में मौजूद रहने का कन्फर्मेशन दिया है और जो नेता किसी कारणवश रैली में नहीं आ पाएंगे वो अपने पार्टी के नुमाइंदों को भेजने के लिए तैयार हैं। जैसे ममता बनर्जी विदेश में हैं, अगर वो 25 सितंबर तक वापस आ गईं तो ठीक, नहीं तो उनकी जगह पर राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन शामिल होंगे, जबकि उद्धव ठाकरे की जगह उनके बेटे आदित्य ठाकरे इस रैली में मौजूद रहेंगे। KC त्यागी ने दावा किया कि श्रोमणि अकाली दल की ओर से उनके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस रैली में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। हालांकि क्या सुखबीर बादल इंडिया अलायंस में शामिल होंगे इस पर KC त्यागी कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। KC त्यागी ने कहा कि जिन राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद है वहां पर त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबले के लिए भी इंडिया अलायंस तैयार है। हर साल चौधरी देवीलाल जी को स्मरण करते हैं, उनकी 110वीं ये जन्मशती है और जितने भी इंडिया संगठन के सदस्य हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने सभी दलों के नेताओं को इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी इन्वाइट किया है। लगभग सभी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई। KC त्यागी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा सीट बंटवारे और एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर स्थानीय नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर कहा कि इन बयानों के कोई मायने नहीं है क्योंकि अंतिम फैसला इन पार्टियों के आलाकमान के द्वारा ही लिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार हैं और पंजाब और अन्य राज्यों को लेकर उनसे बातचीत जारी है। ऐसे ही कांग्रेस के भी स्थानीय नेताओं के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके आलाकमान ही सीटों के बारे में और किस राज्य में कैसे चुनाव लड़ना है इस पर फैसला करेंगे। हालांकि KC त्यागी ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक साथियों को 25 सितंबर को कैथल में होने वाली चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस रैली में लेकर आएं, लेकिन यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। सभी दल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सम्मान में इस रैली में एकजुट रहे हैं और ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में जो इंडिया अलायंस में हैं वो चौधरी देवीलाल की सोच से प्रभावित रही हैं और उनका सम्मान करती हैं।